ओके वेलकम बैक बिफोर लेजेंड्स, मैं नवाब एफएम नार फ्रॉम अली बहाउद इनका लाइव स्टूडियो। मुझे तह कहते हैं, आपको क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। 8:20 ऑन द डॉलर, 8:20 पर चलते हैं हमारे स्टूडियो क्लॉक के मुताबिक। हफ्ते की आप इस बड़ी सुहानी सी ठंडी सी रोमांटिक सी शब को आप एंजॉय करें मेरे साथ, यानी कि तहा के साथ। ओके वेल, जिनसे मैं आप लोगों को डेट वाइज भी अपडेट करना चाहूँगा कि आज जो है वो तारीख क्या है। ओके जी, आज 22 जून 2019 है और बिल्कुल जो है वो आज अमजद साबरी साहब की बरसी भी है। सवाल हम उनको खराज तहसीन भी ज़रूर पेश करेंगे, कोई ना कोई उनके लिए कलाम भी लगाएंगे। सवाल ही इज़ अ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, लेजेंड में से एक लेजेंड है और उनके गाए हुए कलाम कवाली नोहे अभी तक जो है वो सुने जाते हैं। और मेरा ख़्याल है कि बहुत ही कम लोगों ने इतना नाम कमाया जितना उन्होंने कमाया है। सवाल हमारी दुआएं जो है वो उनके लिए हैं कि अल्लाह ताला जो है वो उनके जन्नत में से एक बाग जो है वो उनको अता करे एंड हमेशा जो है वो हमारी दुआओं में रहेंगे वो। नदीम मुगल साहब ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अहमद ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। सुकैना राजपूत ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। ओके वाल, लेजेंड्स मैंने इधर सवाल किया, इधर मसला किया, उस पास से भी जरा थोड़ा जो ध्यान देने। ओके वाल, आज आप लोगों ने मुझे बताना है ऐसा कौन सा जानवर है जिसका रंग जो है वो ब्लू होता है। वैसे तो जनाब खून आजकल के सफ़ेद हो चुके हैं, नहीं यकीन तो देख लीजिए, कोई टास्क करके देख लें, कोई एक्सपेरिमेंट करके देख लें, कोई तजर्बा करके देख लो। भावें तुम वो तजर्बा करो अपने रिश्तेदारा से या करो तुम जनाब अपने यारा बेलिया से। उसके बाद सीन कुछ इस तरह से है कि आजकल नफसा नफसी का दौर इस तरह जो है वो हो गया है कि हर बंदे का जो खून है वो सफ़ेद हो गया है। सवाल, आपकी रिश्तेदारी आपकी दोस्ती उस वक्त तक ही है जो है वो रहती है कायम जब तक आपको अगले बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती या अगले बंदे को आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रूल जो है वो आप पे भी लागू होता है जनाब, अगर तुम्हारे नाल किसी ने को कम पै जाए तो भी तुम जवाब दे देना उन्होंने। सवाल, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार लोगों को चेक भी ना किया करें, ये भी एक बहुत बड़ी हमारी बीमारी है कि हम बाज़ूकात लोगों को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, यार ये मेरा दोस्त है क्यों ना इससे दोस्ती का इम्तहान लिया जाए। अगर जनाब कोई आपको किसी से मोहब्बत हो जाती देन आप कहते हैं यार क्यों ना यार मोहब्बत हो गई है तो 2-3 महीने भी लंग गए नहीं तो क्यों ना इसकी मोहब्बत का इम्तहान लिया जाए। या कोई रिश्तेदार है, यार ये बड़ा मुझे कहता है कि तुम मेरे बड़े अच्छे कज़न हो, तुम फलां हो, तो ये है तो वो है, तो क्यों ना यार इसका ज़रा ये जो बातें करता है इसका इम्तहान लिया जाए। तो जनाब तारीख गवाह है कि हमेशा जब इम्तहान लिया जाता है तो जनाब हिस्से में सिर्फ जुदाई आती है, गम आती है, तन्हाई आती है। सो वल, अगर आप इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं तो फिर कभी भी किसी को टेस्ट करने की कोशिश ना किया करें। वो क्या एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शेर अभी जेन में गर्दिश कर रहा है कि पंजाबी का शेर है, लोड पई थे लगियाँ समझा उन जैसी कहने सके यार बथेरे ने। सवाल सीन इस तरह से इस तरह का ही है कि जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक कोई दोस्त होता है और जब आपकी ज़रूरत जब आपको ज़रूरत पड़ जाती है देन फिर जो है वो टाटा बाय बाय हो जाता है। सो वल, 5 उंगलियाँ भी बराबर नहीं होती, ये भी कहना जो है वो बिल्कुल जो है वो गलत होगा कि हम कहें कि सारे दोस्त एक जैसे होते हैं। आज भी वो दोस्त मौजूद हैं जो एक दूसरे के पीछे जान देते हैं। ओके, वो वाक्या तो आपने सुना ही होगा कि दोस्त जो है वो उसकी मदद के लिए कि किसी के घर रिश्ता मांगने जाना था लड़की का, तो वो जनाब दुर्गत बनाई है। सो वल, है तो बहुत गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए जनाब दोस्ती का लेवल देखिए, आप महसूस करने की कोशिश कीजिए क्या लेवल है। नदीम मुगल साहब ने हमें ज्वाइन किया, थम्स अप दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल एजेंट साहब, आप लोग हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, अवाम एम बी डी एन हमारा फेसबुक का पेज है, बिल्कुल इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन वहाँ पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत से लोग हमें कहते हैं जी हम आपकी रेडियो की लाइव ट्रांसमिशन कैसे सुनेंगे, सो मैं उनको यही कहूँगा कि आप अभी जो है वो फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे जाके आप लिखिए www.facebook.com, अपने आईडी से जो है वो लॉग इन होइए और लॉग इन होने के बाद जो है वो आप अवाम एम बी डी एन को सर्च करें तो आप फटाफट जो है वो हमारे प्रोग्राम को लाइव सिर्फ और सिर्फ सुन नहीं सकेंगे बल्कि आप देख भी सकेंगे। ओके लाइजेंसमैन, इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर मेरी आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीजे स्पेस साहा की आईडी पे। सिर्फ फेसबुक पर नहीं ज्वाइन कर सकते, आप जितने भी सोशल मीडिया उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक पे कर सकते हैं, टिकटॉक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, बीगो पे कर सकते हैं, सिवाय जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं, शादी की वेबसाइट हैं, उसके अलावा आपको हर जगह पर मेरा आईडी ज़रूर मिलेगा। हो सकता है उसे भी किसी ने कोई फेक आईडी बनाया है, इतना भी कोई नहीं पता है। ओके जी, शबीर सैयद ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। सादिया बतूल ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी। नुमान खान ने हमें ज्वाइन किया, माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट सिंगर हैं हमारे मंडी बहाउद्दीन के, इनका भी खून बड़ा सफ़ेद है, बात हो रही थी ना खून सफ़ेद की,
तो इनका भी जनाब खून एक यख किस्म का सफेद है इस बंदे का। सादिया बतूला हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कैरी वालेकुम अस्सलाम जी सादिया, क्या हाल है आपका? ठीक है। ओके वेल, मेरा आज के सवाल आप लोगों से ये है कि भाई कौन सा ऐसा जानवर है जिसका ब्लड जो है वो ब्लू है। सफ़ेद तो मैंने आपको बता दी है कि जनाब चंद एक जो है वो काबिले एहतराम हस्तियों को छोड़ के बकाया कुल कायनात का खून जो है वो इस वक्त सफ़ेद हो चुका है। अभी आप देखें कि हम अमन की बात कितने करते हैं हमारे, अगर आप देखें कि वर्ल्ड वाइड कितनी ऐसी NGOs हैं जो अमन पे काम कर रही हैं, इवन जो है वो इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किए जाते हैं एवरी ईयर। वो सारे वज़ीर आज़म जाते हैं जनाब ठाट बाट के साथ, मुल्की खर्चों पे जो है वो अब उन कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया जाता है, लेकिन रिज़ल्ट आप देखिए ज़ीरो है। अभी भी शाम के हालात वैसे और इसराइल के मुजालिम वैसे, कश्मीर उत्थे डुबिया पिया, कोई कश्मीर ने पूछने वाला नहीं। यार क्या करना है हमने इन तंजीमों का, आलमी तंजीमों का, जो अभी तक जो है वो हम जो है वो आलमी तौर पे जो है हम लोग रिकगनाइज जो है वो एज़ अ दहशत गर्द होते हैं। क्या करना है हमने इन तमाम एशिया का? सो बात वक्त की ज़रूरत ये है कि अगर आलमी इदारे बने हैं जो पूरी दुनिया में अमन अमां कायम कर रहे हैं, अगर हम गलत कह रहे हैं कि कुल कायनात का चंद एक हस्तियों को छोड़ के कुल कायनात का खून सफ़ेद है, सो उन आलमी इदारों को चाहिए कि इस पूरे आलम में, इस दुनिया में जो है वो अमन कायम करें। अमन कैसे कायम हो सकता है? सबसे पहला मसला कश्मीर का है कि कश्मीर के मसले को हल करके जो है अमन को इस धरती पर कायम किया जा सकता है। उसके अलावा जनाब शाम, मिस्र, लीबिया, इनके हालात देखें, बैतुल मक़दस के मसले को हल करके जो है वो अमन कायम किया जा सकता है। सो बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि बोलेंगे हम तो फिर शिकायत होगी। एनीवे जनाब, माइक के तवसुत से जितना हो सके उतना हम जनाब एहतजाज भी करते हैं, जहाद भी करते हैं, और आप लोगों से गुजारिश भी करते हैं कि हमारी वीडियोस को, हमारे मैसेजेस को शेयर किया करें, ताकि ये पैगाम जो है वो पूरी दुनिया तक जाए कि हम जनाब इधर से भी कुके मार रहे हैं। ओके वेल, जहाज सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हम लोग जो हैं वो अपने पिस्टल उठाएँ और जो है वो सरहदों पर जो है वो लड़ने चले जाएँ। ये तो एक बड़ी आला किस्म है कि हम सरहदों पे जाके अपने मुल्क की हिफाजत करें, अपनी धरती की हिफाजत करें, अपने इस्लाम की हिफाजत करें। लेकिन जहाद आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, दुआओं में कर सकते हैं। वो लोग जो सरहदों पे आपके मुल्क की हिफाजत करें उनके लिए दुआ करें, जो मुजाहिद हैं उनके लिए दुआ करें। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जिस तरह मेरे पास रेडियो का प्लेटफॉर्म है, माइट बी यू आर अ गुड टीचर, आपके पास स्कूल का प्लेटफॉर्म है, वहाँ से बोल सकते हैं। अगर आप किसी न्यूज़पेपर में लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, शायर हैं, तो आप शायरी के थ्रू जो है वो जहाद कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं, इलामा मोहम्मद इकबाल ने, शायर मशरिक ने अपनी शायरी के जरिए जो है वो जहाद किया और मुसलमानों को उजागर किया। उन्हें कुल कड़ी कोई तोप सी हो सकता, उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई पिस्तौल भी ना फड़ी हुए। सो जनाब जहाद की ढेर सारी इकसाम है। अगर आप जहाद करना चाहते हैं और अपने मुल्क के लिए जहाद करना चाहते हैं, इस्लाम के लिए जहाद करना चाहते हैं, तो जहाद का आगाज़ अपने घर से शुरू कर सकते हैं, अपने मोहल्ले से शुरू कर सकते हैं, अपनी गली से शुरू कर सकते हैं। सवाल अगर इतना भी नहीं कर सकते तो दुआ ज़रूर किया करें। ओके जी, मियां मुमताज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी। सागर दीन मोहम्मद बलोच ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। ओके, जो लोग हम इस वक्त फेसबुक पर सुन रहे हैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो मैसेजेस को ढेरों ढेर शेयर किया करें, थोड़ी बहुत ढेर मेहरबानी। ओके वाले, अभी हम जा रहे हैं प्रोग्राम के नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, एंड हम आतिफ असलम की वॉइस में मैं गाना डेडिकेट करना चाहूँगा अमजद साबरी साहब को, कि जिनकी जनाब आज बरसी है, और ताजदार हरम में डेडिकेट करना चाहूँगा। और आई विल ट्राई कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल नहीं रहा वैसे भी। ओके वाल छोड़िए, हम साबरी ब्रदर्स का ही जो है ये ताजदार हरम प्ले करते हैं। एंड आई वांट टू डेडिकेट दिस ट्रैक टू ऑल अमजद साबरी लवर्स। बिल्कुल आज उनका उनकी बरसी है, तो आज के दिन जो है मैं ये तमाम उनके लवर्स को जो है ये गाना ये कलाम डेडिकेट करना चाहूँगा। सचिव वेदास ओके जी, आरजे नसीब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। हुर खान सलाम कह रही है, वालेकुम सलाम जनाब कह रही है, बहुत शुक्रिया आपका। गाना थोड़ा सा जो है वो कलाम थोड़ा सा मैं प्ले करना चाह रहा था,
कि मैं आतिफ असलम की वॉइस में ताजदारे हरम प्ले करूँ, मैंने कहा नहीं जो है वो साबरी ब्रदर्स की वॉइस में ही जो है वो इसको प्ले करते हैं। ओके वेल, असल में एक्चुअली जो है वो आज अमजद साबरी साहब की बरसी है और बिल्कुल मुझे आज भी वो दिन याद है, 2016 का साल था एंड ट्रांसमिशन चल रही थी रमज़ान की, स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही थी और वो ट्रांसमिशन जो है वो देखते देखते तो पता चला है कि एक सैड न्यूज़ कि अमजद साबरी साहब को जो है वो हादसे का शिकार हो गए हैं, उनको जो है वो मर्डर किया गया, उनका कत्ल किया गया है। सो वल हमेशा हमारी दुआओं में याद रहेंगे, हम जब भी कलाम सुनते हैं तो दिल से उनके लिए दुआएं सुनती हैं निकलती हैं और माशाल्लाह ऐसे ऐसे कलाम हैं उनके कि बंदे को सुन के जो है वो बड़ा सुरूर आता है। सवाल मोहम्मद आजम साहब ने हमें इटली से जान किया, बहुत शुक्रिया। ये भाई मुझे इटली से कॉल करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, बहुत शुक्रिया आजम साहब, क्या हाल आपका, ठीक है। ओके वाल यार, ब्रॉड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एज यू कैन, बस थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद जो है वो हम लाइव भी जा रहे हैं। क्वार्टर ब्रेक आ गई है जी, एक तो मैं जो भी कुछ चंगा काम करने लगा मेरे को कुछ चंगा काम होता ही नहीं। ओके जी, कमर्शियल ब्रेक आ गई आपके हमारे दरमियान, कोई बात नहीं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद आजम साहब क्या हाल है आपका, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाओ कैसे, ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। देखिए मैंने आपकी आवाज भी पहचान ली है। जी 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 जी, मैं भी आपको बहुत शुक्र गुजार है, जो मंडी बाजार का खबर होता है मेरे पास पहुंच जाता है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्र गुजार। बस दुआओं में याद रखा करें आप, इंशाल्लाह। और सुनाओ क्या हाल है, जबरदस्त अल्लाह का शुक्र। और सुनाए क्या है नई ताजी इटली की। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है, एक दो दिन थोड़ा गर्मी हुआ, अभी फिर बारिश शुरू हो गया, दो तीन दिन हो गया बारिश शुरू हो गया, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे, बहुत अच्छा। वाह जी वाह, तुहाड़ियां ते मौजां ने, असी ते इधर साडे गर्मी नाल दाने जड़े ने ओ पुजे होए ने। मेरे इधर बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। ओके अच्छी बात है, चले और क्या, दो महीना थोड़ा मौसम गर्म रहेगा, सिर्फ दो महीना सिर्फ। ओके, बकाया जो है वो मौसम सर्दी होती है, मुझे भी रात को सर्दी लगने लग जाता है। मेरे इधर तो कोई एयर कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस अभी तक हमको पंखा भी नहीं मिला। अच्छा पंखा भी नहीं लगाया, सो उधर से बिजली की वाह बचत नहीं हो जाती होनी। नहीं नहीं गर्मी नहीं है अभी तक, मैंने कहा बिजली तो काफी बच जाती होगी, हमारे तो यहाँ पे जनाब बिजली घर की आधी बिजली तो एसी ले जाते हैं। असल वजह ये है ना, इधर ये लोगों का कानून है, बिजली का सिस्टम, गैस का सिस्टम, हर चीज अच्छा है, वो सेटअप किया पाकिस्तान में, वो चीज है नहीं है। क्यों नहीं है पाकिस्तान में, मुझे ये बताएं, देखो होना चाहिए ना पाकिस्तान में भी ये सारा कुछ। देखो मेरा बात सुनो, पाकिस्तान में कितना आबादी है, किसने कोई डैम नहीं बनाया, ऐसे ही है। मोहम्मद आजम साहब आपकी गल्ले बहुत सच्ची हैं, इधर लगनी है ठा करके। अभी खुद सोचो, आपको एक घर का जरूरत है, आपका फैमिली होगा तो उसको हर आदमी को, हर आदमी को घर का जरूरत नहीं है, ऐसे ही है। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं सोचा है, लीडरों ने नहीं सोचा, जिस वजह से हम लोग अभी बहुत 50 साल पीछे चले गए। ऐसे ही है, आप मोहम्मद आजम साहब आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, यकीन करें कसम से हम लोग 50 साल पीछे चले गए, ये लीडरों की मेहरबानी की वजह से, और पाकिस्तान जैसा दुनिया में कोई, मैं 20 मुल्क देखे हैं दुनिया के, 20 मुल्क, वाह जी वाह, पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क भी नहीं है, मौसम कानून ज़रात हर चीज, और सिर्फ एक सिर्फ पाकिस्तान में चाहिए कानून, कानून होगा दुनिया में, पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है। मैंने सिर्फ 3 मुल्क देखे हैं, मैं 20 मुल्क देखे हैं। वाह जी वाह, फिर तुम साढ़े अगे लगे हो। हाँ ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र मोहम्मद आजम साहब, दुआएं आपकी करते हैं, ऐसे ही दुआ हमारे लिए। चलो सबको सलाम दे रहा, ओके ओके अल्लाह हाफिज़। यार ये यकीन कीजिए कि ये बंदे की मोहब्बत ये है कि ये बंदा लैंडलाइन पे कॉल करता है, और मेरा ख्याल है इसको ये वाली कॉल ना पाकिस्तानी 500 रुपये से ज़्यादा पड़ी होगी जो इस बंदे ने कॉल की। और आप देखें, आपको जनाब मुफ्ते की कॉल है यहाँ पे, लाइव आपने आना है मुफ्ते में, सिर्फ नीचे आपने कहना है हाँ भाई मुझे लाइव ले लें, सवाल मैंने आपको लाइव ले लेना, वो भी आप नहीं कहते। चौधरी मोहम्मद आजम साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। सईद हैदर साहब ने ज्वाइन किया, शर्ट से बाहर तो ना आए, मैं शर्ट के अंदर हूँ यार, ये शर्ट बहुत खुली मैंने आज पहनी हुई है, तो इसमें मैंने कहाँ से बाहर आना। सना मुश्ताक ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका।
नदीम मुगल ने ज्वाइन किया है मलेशिया से, बहुत शुक्रिया। खुरम शिदाद मांगट ने ज्वाइन किया, हाय डियर, हाय फ्रॉम माय साइड खुरम शिदाद मांगट साहब, क्या हाउ आर यू, कह रहे हैं बहुत शुक्रिया। मुझे लाइव लीजिए, आप इस वक्त है ही नहीं हमारे साथ, हम आपको कहाँ से लाइव लीजिए हूर खान, अभी आप आएंगी तो हम आपको लाइव लेंगे ना। ओके भाई, ब्रॉड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो फिर बात बनेगी ना, फिर जब ज़्यादा लोग आते हैं तब प्रोग्राम करने का ज़्यादा मज़ा आता है। ओके बस सिर्फ दो कमर्शियल ब्रेक्स रह गई हैं, उसके बाद हम ऑन एयर जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं। मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसका खून जो है वो नीला होता है, सफ़ेद खून तो सबका ही है, मेरा वैसे रेड है। सो वेल, मुझे बताइए ऐसा कौन सा जानवर है जिसका खून जो है वो, यार मैं अपनी कल पेंसिल की तरफ भूल गया हूँ, मुझे तो अभी याद आया, कल मुझे मिल जाए थे क्यों पेंसिल। चल रही है वर्किंग। ओके वाल यार, कुछ सलाम दुआ प्यार मोहब्बत, क्यों मेरी तुसी ब्रॉड सुनसान कीती हुई है। बस एक और ब्रेक रह गया, उसके बाद हम जो है वो जा रहे हैं लाइव, फिर आप लोगों से गपशप भी लगाते हैं, और मेरे पास आज पजल कहानी भी है जिसको आपने सुलझाने की कोशिश करनी है। बस जी लाइव सुनते हैं, आ जाए। ओके जी, वेलकम बैक बिफोर लिसनर्स, मैं नवाब एफएम नारिफ मनी बहादुर का लास्ट स्टूडियो, और अब जो है वो हम वापस आ चुके हैं 8:38 चंद दाल 8:38 बचाते हैं हमारे स्टूडियो क्लॉक के मुताबिक। ओके वाल, मुझे आज आप लोगों ने बताना है ऐसा कौन सा जानवर जो है जिसका ब्लड ब्लू होता है, एंड इसके अलावा जनाब मेरे पास आज एक पजल कहानी भी है लाइव कॉलर्स के लिए, जो लाइव कॉलर्स होंगे उनसे हम एक कहानी भी पूछेंगे, सो हम उसे 9 बजे के बाद ही ऑन एयर करेंगे। अभी तक अभी तो मुझे आप लोगों ने सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, वो ये कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसका ब्लड ब्लू है। और वैसे मैं सफ़ेद खून पर भी बात कर रहा था कि बहुत से हमारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं और कोई ऐसे दोस्त होते हैं जिनका ब्लड जो है वो सफ़ेद हो गया होता है, सो कि ऐसा भी कोई बंदा है तो मैंने ज़रूर दसूँ उसी 5194 से कॉल करके। ओके जी, सैयद अकील अब्बास ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। शाहजी, क्या हाल है आपका, ठीक है। इमरान शेख हमें इंडिया से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, और कह रहे हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन इमरान शेख, हाउ आर यू, आपका क्या हाल है, ठीक है। ओके वेल, इसके अलावा अगर आपको गाना सुनना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, इसके लिए आप फेसबुक पे जा सकते हैं, अवाम MBDIN, अवाम लिखना है AWAM MBDIN, फेसबुक का ID है। और इसके अलावा जनाब पेजेस भी हमारे हैं अवाम FM नारिफ मदी बहाउद्दीन के नाम से, आप अवाम FM नारिफ और या अवाम MBDIN लिखेंगे, 2-3 पेज खुलेंगे, सारे इस वक्त वर्किंग में है, और कहीं पर भी आप हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइव देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम इमरान शेख, क्या हाल है आपका, मुझे बताइए कि क्या हो रहा है आजकल, क्या कह रहे हैं। I want to say something from the core of my heart, अपनी दिल की गहराइयों से आपको कुछ कहना चाहता हूँ, जरा सुनिए। हाँ, कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। ओके जी, गाने को सुनिए, एंजॉय कीजिए, और अगर अच्छा लगी कोई बात, कुछ कहना चाहें किसी को, दिल का हाल, नंबर डाल कीजिए 0546 50 11 94, आई एम वेटिंग फॉर यू। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, जरूर प्ले करते हैं जी, हम क्यों नहीं प्ले करेंगे, इमरान शेख आपको डेडिकेट भी करेंगे हम ये गाना।
अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन का जी? सदीका, क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की दुआएं। सदीका, सवाल का जवाब आता है आपको? बताइए मुझे जरा। ऑक्टोपस, ओके। और असल में एक्चुअली सॉरी, मुझे ना ये आपका, सदीका का, आयशा और सज्जल, ये तीनों नाम मुझे कल भूल गए थे, मैंने पेज पे लिखे हुए थे, मैं अभी शामिल करता हूँ जी, मैं अभी करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जॉब चल रही है बिग एफएम पर, ओके, गुड हो गया। चले अल्लाह ताला जो है वो आपको मजीद हिम्मत इस्तकामत दे कि आप अपनी जॉब को अच्छे तरीके से करते रहें। इमरान शेख, आपने जाना नहीं, मैं आपको गाना जरूर प्ले करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितने ग्रुप्स में कर सकते हैं यार, इतने प्यार से कह रहा हूँ मैं, है? Okay, welcome back, beautiful ladies and gentlemen, FM 94.5 in the live studio. Okay, well, Sadiqa Gondal हमारे साथ हैं, मदीबा आउद्दीन सर कहती हैं, ब्रावा कल भी तू मेरा नाम भूल गया सब में, कह जी माजरत, आज शामिल कर लेते हैं। ओके जी, सदीका गोंदल कहती हैं जी, ऑक्टोपस एक ऐसा जानवर है जिसका खून जो है वो नीला होता है। चल, आज मेरा आपसे बड़ा मासूम सा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है, कैसा कौन सा जानवर है जिसका खून जो है वो नीला होता है? सैयद कैफत शाह ने हमें ज्वाइन किया जी फेसबुक पे, हेलो कह रहे हैं, हेलो फ्रॉम माय साइड। दानियाल खालिद ने ज्वाइन किया, सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चौधरी इरफान कौर साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी। ओके जी, मदीहा चौधरी कह रही जी, पापा भी देख रहे हैं, सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम अंकल जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, ओके वाल जी, इमरान शेख के लिए गाना हम चलाते हैं जी। इमरान शेख ने हमें इंडिया से ज्वाइन किया है, और वाल मुझे लोग कहते हैं यार इंडिया वाले एंजो हो गए यार, मुझे तो जितने मेरे फैंस हैं इंडिया के, बहुत प्यार मिलता है उनसे, and love you Imran, this song for all the Indian fans. Okay, तेरे संग यार है ना वॉइस ऑफ आतिफ असलम, और मेरा आज आपसे सवाल ये है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसका खून जो है वो नीला होता है? वैसे अगर मैं ऐसा कहता ना कि ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जिसका खून सफेद है, तो मुझे लगता है कि सारे जितने भी इस वक्त मेरे लिसनर और व्यूवर्स हैं उन सबको उसका जवाब आता था, सोचना था। और जी, खाला भी हो सकती, पुप्पी भी हो सकती, चाची भी हो सकती है। सो वेल, बात हो रही है नीले खून की, तो मुझे बताइए कैसा कौन सा जानवर है जिसका खून जो है वो नीला होता है? सचिव में दवा मैं फिर नारिफ मोदी बहाउद्दीन मुझे तहा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं सो बताइएगा। इमरान शेख, मैंने गाना आपका लगा दिया यार, ये कुछ दोस्त जो हैं वो मुझे ये कहते हैं कि यार आप गाना नहीं प्ले करते हमारा, मैंने आज प्ले कर दिया आपका गाना। ओके, मदीहा, पापा का नाम क्या है, मुझे नाम बताइए उनका। अलीशा ने ज्वाइन किया, अलीशा क्या हाल है आपका? ठीक है। इमरान शेख, जीते रहो यार, आबाद रहो, खुश रहो। गॉट अ रैबिट, रैबिट का ब्लड ब्लू होता है यार, रैबिट का ब्लड ब्लू नहीं होता, मैंने इवन खुद जो है वो उसको स्लॉटर किया हुआ है, मैंने एक दफा नहीं कितनी दफा मैंने खरगोश का गोश्त खाया हुआ है यार, ऐसे ना कर, उसका ब्लड ब्लू नहीं होता। लव यू टू इमरान शेख, यार एक और बंदा था जिसने लव यू बोला है यार, मोहब्बतें हैं आपकी, यकीन कीजिए, बाजुकात में आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रहा होता हूँ, और काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे आप लोगों के प्रोग्राम्स के मैसेज पढ़ते हुए, जो मोहब्बत मिलती है वो मैं बता नहीं सकता। ठीक है, कोई रबता नहीं यार, रबते ही रबते हैं, देखिए जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, तू है अरना सा एक आसमां महताब तू, देयर इज नो सच थिंग।
ओके, आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं जिसका खून जो है वो नीला होता है। सो वेल, अभी आप प्रोग्राम को सुनिए लास्ट तक। एट द एंड ऑफ प्रोग्राम डेफिनेटली आई विल टेल यू। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ताहा भाई की बहन कौन बात कर रही है? कौन? जलालपुर की तो मुझे समझ आई, आपका नाम नहीं समझ आ रहा मुझे, सॉरी। जारा बतूल बात कर रही है। जी जारा, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अब मुझे ये बताइए जारा कि आपको पता है ऐसा कौन सा जानवर है जिसका ब्लड ब्लू होता है, खून नीला है? अच्छा, येलो वाला देखा है, वो कौन है? क्या 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 कहते हैं? हथकड़ी? हथकड़ी। अच्छा, मैंने ऐसा जानवर पहली दफा सुन रहा हूँ जी। मेरी बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन में आपने इजाफा कर दिया जी। क्या ऐलान करवाना आपने? तीन भाई गुम हो गए हैं। अच्छा, कौन कौन से गुम हो गए हैं? चले, हम कह देते, ऐलान कर देते हैं आपका। भाई, मेरी अम्मी जान आपसे बात करना चाहती। इमरान शेख कॉल करो यार मुझे। आपकी जी मंजूर अहमद है। मंजूर अहमद साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी। सलाम, वालेकुम सलाम। इमरान, मुझे कॉल करो शहजादे, देन आई विल एबल टू टॉक विद योर मदर। खुर्रम शहजाद, बहुत शुक्रिया, जीते हो। आबाद रहो यार, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरी दुआ और मोहब्बतें जो है वो अपनी अम्मा जान तक, बल्कि हमारी अम्मा जान तक जरूर कन्वे कीजिएगा। सैयद कैफत शाह, मैं आपको जरूर बताऊंगा, अगर आप हमारे साथ लाइव रहे तो जरूर सुनिएगा, अदरवाइज मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा। अभी हालांकि मैं बताऊंगा तो फिर सबको पता चल जाएगा, ठीक है? प्रोग्राम से पहले नहीं मैं बता सकता, 10 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। अगर आप नहीं साथ रहे, कोई मसला नहीं है, मैं आपको इनबॉक्स जरूर करूंगा, ठीक है? आतिफ असलम, आपके फेवरेट सिंगर। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि हम उनको लाइव लें। वैसे मैं ले चुका हूँ, 2-3 दफा मैंने उनको लाइव लिया है। ओके, खुर्रम शहजाद कह रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। ओके जी, मलिक नईम साहब ने ज्वाइन किया, हाय हाय फ्रॉम माय साइड। मलिक नईम साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, यार तो मुझे अच्छे अच्छे गाने बताइए। लास्ट टाइम मैं एक्सप्लोर कर रहा था पाकिस्तानी सॉन्ग, तो बहुत से सॉन्ग थे पाकिस्तानी ऐसे जो मुझे सुन के बड़ा मजा आया। लास्ट टाइम मुझे आप लोगों ने रिक्वेस्टें भी प्ले करवाई हैं, तो मुझे को पाकिस्तानी सॉन्ग बताइए अच्छे अच्छे। यार उसको वो मूवी का गाना प्ले करते हैं आज, वो उसकी उसामा की मूवी आ रही है, बाजी मूवी का को ट्रैक प्ले करते हैं। Where is my headphone? बहुत शुक्रिया कुरम शहजाद साहब, जीते रहे हैं बाद में।
तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। ओके वेलकम बैक ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन, तू न जाने आस पास है खुदा। एंड द राइट थिंग इज दैट कि वाकई खुदा जो है वो आस पास ही होता है। जरूरत इस वक्त की होती है, इस बात की होती है कि हम उसको तलाश करें। बस औकात जो है वो हम बंद कमरों में कोई बड़ा गुनाह कर लेते हैं और इस बात से बाखबर होते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, तो खुदा रब ताला की ज़ात जो है वो हमें देख रही होती है। हम यही कहते हैं कि जब भी किसी की दिल आज़ारी कर रहे होते हैं इस बात से बिल्कुल भी गाफिल ना रहा करें कि कोई आपको देख नहीं रहा। जब सिर्फ इस चीज़ का एहसास हो जाए ना हमें कि रब ताला की ज़ात जो है वो हमेशा हमारे साथ होती है, हम बहुत से गुनाहों से बच जाते हैं। ओके वेल जी, इमरान शेख हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि आतिफ असलम इज़ माई बेस्ट फेवरेट सिंगर। ओके गुड हो गया जी। खुर्रम शहजाद हमें आई मिस यू कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, मिस यू चू। सैयद कैफत शाह हमारे साथ कह रहे हैं ऑक्टोपस है वो जानवर। ओके वेल, मैंने आपका आंसर लिख लिया है, प्रोग्राम के लास्ट में मैं ज़रूर बताऊँगा अगर आपका आंसर ठीक है नहीं ठीक। ओके जी गुड हो गया। एक हमें कॉल आई है जी ज़ारा बतूल की जलालपुर शरीफ से, एंड इन्होंने कहा है कि जी मुझे नीले का तो नहीं पता लेकिन एक खतकड़ी नाम का कुछ जानवर होता है दरख्तों पे रहता है, उसका ब्लड जो है वो येलो होता है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बिल्कुल भी इस जानवर का नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता ये कैसा दिखता है और वाकई में इसका ब्लड ब्लू होता है या नहीं होता, तस्दीक ज़रूर करें अगर किसी को पता है। सवाल हमारा आज का सवाल पीला नहीं बल्कि नीला है और ये कि कौन से जानवर का खून का रंग नीला है। एंड जी अभी जो है वो न्यू मूवी आ रही है आमना की, मीरा की एंड उसामा की बाजी मूवी है, ओके जी उसका गाना मैंने आप लोगों को जो है वो सुनवा रहा हूँ। वैसे कब आ रही है मुझे कोई नहीं पता। वैसे लास्ट उसामा की जो मूवी आई थी उसमें क्या यार उस लड़की का नाम है, एक तो नायाब थी एक उसामा था, खैर वो मैंने लाइव शो किया हुआ रेडियो पे उन तीनों के साथ। सवाल अभी मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला, मौका मिला तो हम ज़रूर इनके साथ भी प्रोग्राम करेंगे नहीं तो कॉल पे ले लेंगे जी। अगर इस गाने को इंजॉय कीजिए, कहीं पे जाएगा नहीं सुनते रहिएगा वहाँ मैं फिर मेरी बहादी और जनाब घंटी खड़काते रहिएगा 50-11-94 पर सचिव। यार आप में से कोई लाइव आना चाहता है जो यहाँ पे है कॉलर इस वक्त व्यूवर बैठे हुए हैं, आना किसने लाइव? यार वीडियो को शेयर करें यार ज़्यादा से ज़्यादा। कदीर खान ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया कदीर खान, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। व्हाई डू नॉट एनीवन गेट लॉयल्टी इन एक्सचेंज? यार ये कैफ़े क्या ये बात जो है ना बहुत हार्ड थिंग है कि वफा में जो है ये सारा कुछ क्यों नहीं मिलता। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि नसीब में नहीं है वफा के ये सब कुछ। सैयद अहमद मिनहास सईद भाई ने ज्वाइन किया, सईद भाई आर यू, क्या हाल आपका? ठीक है, चकवाल का पहला बंदा आ गया है, अभी आहिस्ता आहिस्ता सारे आ जाएंगे। दूर से कोई आए चुपके से नो दिल में समा जाए, ओके वॉल, दूर से कोई आए चुपके से दिल में समा जाए साजना, इसे मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत का पहला जो साइन होता है सिंबल होता है वो यही होता है
ये कोई बहुत दूर से आता है और चुपकी से जो है वो दिल में समा जाता है एंड ये दिल जो है वो उसके लिए धड़कना शुरू कर देता है, ये जेन उसके लिए सोचना शुरू कर देता है, या आंखें बंद भी हों फिर भी उसे देखना शुरू कर देती हैं। सईद अहमद मिनहाज भाई ने हमें ज्वाइन किया जी चकवाल से लाइव एंड ये चकवाल से बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं। यकीन कीजिए कि हम इनकी मोहब्बत का जो है वो कर्ज कभी भी अदा नहीं कर सकते जो ये कभी जो हमें मोहब्बत देते हैं। एनी हो जो आज मुझे इवन आज भी इनकी तरफ से मुझे मैसेजेस आते रहे हैं, व्हाट्सएप पे आते रहे, फेसबुक पे आते रहे, लेकिन जो मोहब्बतें मिलती हैं ना इनकी जानिब से, यकीन कीजिए कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जो शकवाल से मोहब्बतों का इजहार होता है। मलिक नईम साहब है सर के भी आओ ना भोआ हसन सवाल जी, आप हमें मोहब्बत से बुलाएं हम जरूर आएंगे, भोआ हसन भी आएंगे। ओके जी, मुझे मेरा आज आप लोगों से सवाल ये कि ऐसा कौन सा जानवर जो है जिसका कलर जो है वो ब्लू होता है। मुझे बहुत से लोग जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द पीपल जो प्रोग्राम में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं फेसबुक के थ्रू या जनाब 50 11 94 के थ्रू। वालेकुम अस्सलाम सैयद मिनास राजपूत साहब। अच्छा जी सैयद कैफिस शाह कह रहे हैं ब्रदर आई नो यू, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। असल में एक्चुअली अभी आपकी ना डीपी बहुत छोटी आ रही है लाइव में, सो हो सकता है मैं भी आपको जानता हूँ, डेफिनेटली आप मुझे जानते हैं तो मैं भी आपको जानता हूँ। लाइव में डीपी बहुत छोटी आती है। ओके ये सिंगर बड़ा कमाल का सिंगर है एंड मैं जो अकॉर्डिंग टू मी इस वक्त पाकिस्तान के पास ये एक हीरा है जिसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा उस तरह से। यकीन कीजिए कि ये बंदा जो है इंडिया के छक्के छुड़ा सकता है, बल्कि छुड़ाए हुए हैं। बड़ा नाप तोल के गाता है ये बंदा। खियन सुनी नहीं दास्ता है। ओके वेल, खैर म्यूजिक इनके घर की बांधी है यही कह सकते हैं हम। शफकत अमानत अली खान and according to me he's a better singer than Atif Aslam and Rahat Fateh Ali Khan. हालांकि मुझे अगर मुझसे पूछा जाए मुझे ज़्यादा गाने आतिफ के पसंद हैं या अली जफर के पसंद है, लेकिन I know very well कि जो इस बंदे के सुरों को नापने और तोलने का पैमाना है ना वो beyond the level है। तेरे बिन तेरे बिन तेरे एंड ये मिथवा जैसे जो है वो बॉलीवुड के ट्रैक्स हैं वो इन्होंने गाए हुए हैं और तुम मेरा एंड तुम मिले तो धड़कन मिल गई तुम मिले तो एटसेट्रा। ओके हाशिम हमदानी है जी कह रहे हैं जी मेरी पसंद का कोई ट्रैक लगा तुम दसो तो सही, और मेरे को कोई जिंदे बैठा नहीं होना जो मैं पसंद है मैंने पता चल जाना है, मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना। इस गाने को एंजॉय कीजिएगा, इसके बाद आएगी कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के बाद हम कोई ना कोई लाइव कॉलर लेने की कोशिश करेंगे। सच ही उदास मुझे तहा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को ब्रॉड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है मसरूफ कितने हो गए हो? फिर महीना करो जावा
चले कोई गल नहीं, जेड़ा महीना साडे नाल हो फिर एंजॉय करो साडे नाल। सवाल दा छड्डो तुसीं, उंज अपना हाल शाल दसो। ओके गुड हो गया। ओके गुड हो गया। अब आबिद भाई ने बुकन कलून से जान किया, बहुत शुक्रिया जी। आबिद भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, मैच का की बने भाई आज? मैच की सूरत हाल ना लगा करो जरा, मैं तो खैर देख ही नहीं रहा आज मैच। मैच का की बने जी आज? ओके जी, जेबी राजपूत ने जान किया, बिल्कुल जेबी मुझे पता है आप जो है वो हमें चकवाल से सुने हैं, बहुत शुक्रिया आपका जेबी। जेबी करते क्या हो आप? साजिद ताड़ साहब ने जॉइन किया, वेलकम कहते हैं साजिद ताड़ साहब आपको प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। आबिद भाई आपको सवाल का, व्हाई डज नॉट एनीवन गेट लॉयल्टी इन एक्सचेंज ऑफ, ये लिफा क्या है मुझे पहले ये तो बताइए, मुझे इसका नहीं पता। रियली वेरी सॉरी सैयद कैफक शाह साहब, मुझे इसका नहीं पता, माय अंग्रेजी इज वेरी कमजोर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हसन मुस्वा जैदी फ्रॉम लीला टाउन। कैसी तबीयत है आपकी? अभी तो अजान ना हो रही है ने। अजान है इधर भी, एफएम पे भी हो गई है। एफएम पे भी चल रही है, अभी अजान आने आ रहा है। तो क्या मैं फिर होल्ड पर हूं या सर आपकी जैसे जैसी मोहब्बतें आपके, अभी अजान के बाद कमर्शियल ब्रेक है, तकरीबन आपको ऑलमोस्ट वेट करना पड़ेगा 8 मिनट, 8 मिनट वेट करना है आपने, 8 मिनट इंतजार करना है, होल्ड पे रहना है, होल्ड पे रह ले, कॉल काटनी है तो बेशक काट दें। तो सारा फिर आप होल्ड पे दें हमारे साथ, गप्पे शप्पे लगाएं। और सुनाए कैसी गुजर रही है जिंदगी? हेलो दादी साहब, जिंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आपकी। क्या हो रहा है आजकल? मैं पुराने गानों पर रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, जेलम जाऊंगा मैं, वहाँ कहते हैं फिल्मी पुराने गाने जो है ना, आयरन परवीन, माला बेगम। हाँ वो क्या उनकी किताब मेरे पास है, लेकिन किताबें मिलती हैं या सीडियां मिलती हैं? ये फट गए ऐसे, कुछ बहुत पुराने हो गए ना। तो आप इंटरनेट से निकाल लेना, अब तो जदीद दौर है। आप किसी बंदे के साथ रابطہ करें ना जिसके पास कंप्यूटर और प्रिंटर मौजूद है, तो वो आपको उसकी लिरिक्स जो है वो निकाल के फोटो उसकी कंप्यूटर से कॉपी निकाल देगा, कागज पे निकाल देगा। अच्छा अच्छा, जरूर आपने जेलम जाना है इतनी खज्जल खवारी करने। जो जो गाने हैं ना, तो उन्हें के कोई कंप्यूटर वाला को बंदा ढूंढे यार बेली, तो उसे वो के वो आपको प्रिंटर निकाल, प्रिंटर से प्रिंट निकाल देगा उनके। हाँ उसमें भी वैसा अच्छी है लगता है। ये जो ना मैंने जितने निकाले हैं ना, वो टेप रिकॉर्ड किसी जमाने में होते थे जो सना लाइव आना है आपने, या हाशिम हमदानी आपने आना लाइव मुझे बताइए। ठीक हो गया। और वैसे क्या हो रहा है आजकल? पानी शानी सही टाइम पे खोल रहे हैं? पानी वैसे आजकल सरकारी कम आ रहा है, क्या मसला है इसका? क्या चीज? पानी सरकारी, पानी का प्रेशर बड़ा कम हो रहा है। ये बताऊं क्या होता है? ये मतलब बारिशों का सीजन नहीं होता ना, बारिशें कई बार कम हो जाता है, नीचे चला जाता है। अच्छा लेवल कम, मोटरें कम जाने लग जाती है। अब देखे ना तकरीबन 80 हमारा वो है, तो इसमें हमारा तकरीबन बहुत शुक्रिया मोहम्मद अर्शद साहब, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए पानी का टेस्ट कितने साल बाद करवाते हैं? पानी का टेस्ट तकरीबन आप कह लें ये हर 6 महीने के बाद आती है टीम वहाँ से, लाहौर से। अच्छा हर 6 महीने के बाद आके वो इंस्पेक्शन करती है। ठीक हो गया। पक्की बात है कि वहां को दाल लगाया हुआ है? हाँ जी। मैंने कहा ये पानी की इंस्पेक्शन वाली बात पक्की है कि आवाम को दाल लगाया हुआ है? नहीं नहीं, पानी वाकई बहुत अच्छा, 550 फुट से आ रहा है। अच्छा, मैं इस्तेमाल करता हूँ ये, और इसमें ब्लीचिंग भी डालते हैं एक। अच्छा तो ये बिल्कुल जो ना, तभी हमारा अंदर सफेद हो गया है।
सरकारी पानी पी पी के अच्छा मुझे लग रहा था कमजोर है उसका वैसे भी उसके ऊपर लगा लेना था वो डबल के ओके जी अफगानिस्तान वैसे अफगानिस्तान थोड़ी सी एफर्ट करे ना जीत सकता है और आज अफगानिस्तान को जीतना भी चाहिए ओके अच्छा हसन मुसा दादी साहब होल्ड पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ ठीक है मेरे डर में आ है अनदेखी अनकही